G20 के आयोजन को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटा है। इसे लेकर तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं फॉरेन डेलीगेट्स के साथ किस तरह का व्यवहार पुलिस कर्मियों का रहेगा, इसे लेकर भी विशेष रूप से उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। 20 देशों के डेलीगेट्स का मार्च माह के पहले सप्ताह में आगमन होना है। इसे लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन रांची के जैप वन में किया गया, जहां पुलिस कर्मियों को इससे संबंधित तमाम जानकारियां दी गई। मामले पर रांची SSP ने बताया कि सुरक्षा से संबंधित तमाम पहलुओं को लेकर ब्रीफिंग दी जा रही है और ये शुरुआती चरण है। इसके बाद भी इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो। देखिए, इसमें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, खासकर जो कटिंग एज के ऑफिसर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और DSP हैं, जो सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, उनका एक वन डे ओरिएंटेशन सेमिनार रखा गया है, जिसमें सुरक्षा और सॉफ्ट स्किल्स और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, इस विषयों पर जो विशेषज्ञ हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो अब इनको ब्रीफिंग कर रहे हैं। ADG ऑप्स, IG ह्यूमन राइट्स, फिर DIG स्पेशल ब्रांच भी इसमें अपना वक्तव्य रखेंगे और इनको किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करनी है, किस तरह से इनका कंडक्ट होना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत ब्रीफिंग की जा रही है। ठीक सर, राजधानी वासियों के लिए क्या, क्योंकि सर डेलीगेट्स आएंगे और कहीं ना कहीं हमें कहा जाता है कि अतिथि देव हुआ, तो क्या एक मैसेज? हाँ बिल्कुल, ये गर्व की चीज़ है और झारखंड के लिए भी और रांची वासियों के लिए खासकर, और जो हमारा एक झारखंड की इतनी सुंदर आबोहवा है, यहाँ का हरियाली है, ग्रीनरी है, यहाँ का एक अतिथि देवो भव का जोहार का जो एक कल्चर है, उसके तहत ही लोग भी वेलकम करें और रांची पुलिस खासकर और झारखंड पुलिस सभी की सुरक्षा के लिए, सभी की सुगम यातायात के लिए भी कर्तव्यबद्ध है और हम सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि आने वाले मार्च के पहले सप्ताह में G20 समिट प्रस्तावित है, जिसमें नामी गिरामी हस्तियां रांची आएंगे, जिनको लेकर नगर निगम ने साफ सफाई को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। नगर उपायुक्त शशि रंजन ने पिछले शनिवार को बैठक बुलाकर आने वाले 15 दिन के अंदर शहर को चकाचक करने का फरमान जारी किया है, साथ ही इसमें कोई लापरवाही न करने का दिशा निर्देश भी दिया है। पंजाब केसरी TV के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।